आइए आज की ब्रेकिंग न्यूज में देखते हैं कि जो स्मार्ट मीटर है उस पर घमासान छिड़ गया। अडानी कंपनी के स्मार्ट मीटर पर घमासान, इस पर सवाल है या बवाल है, ये देखने के लिए हम पहुंचे थे आजाद मैदान में, जहां पर आम आदमी पार्टी ने अडानी कंपनी के खिलाफ, इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है और सारे लोग एकत्रित होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आम जनता को क्या नुकसान होने वाले हैं इस स्मार्ट मीटर से, ये बताने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां कामगार हैं, जो अडानी कंपनी के कामगार हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनकी नौकरियां अब छीनी जाएगी, उनका रोजी रोटी जो है वो छीनी जाएगी, किस तरीके से वो चलाएंगे घर को, ये एक बड़ा प्रश्न है। और वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। तो आइए चलते हैं आज़ाद मैदान और सुनते हैं वहाँ जो बैठे हुए नेता हैं वो क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी एक मोर्चा निकाला है। हम बात करेंगे धनंजय शिंदे जी से। धनंजय जी, आप जरा ये बताइए कि इस मीटर को लगाने से जनता को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, और हम किस बात का विरोध कर रहे हैं, इसमें क्या रीजन? देखो, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार है और गुजरात में भी उन्होंने कई जगहों पे स्मार्ट मीटर बिठाया है। जो ग्राहक को 1,500 रुपया बिल आता था पहले स्मार्ट मीटर के पहले, उस ग्राहक को अभी 4,000-4,500 रुपया बिल आता है। तो ये रेफरेंस के बावजूद हमें पता है कि महाराष्ट्र में भी कुछ जो सेगमेंट्स है उसका प्राइवेटाइजेशन किया है सरकार ने। यहाँ से कुछ 30-40 किलोमीटर पे जो भिवंडी है, मुमरा है, वहाँ पे टॉरेंट कर की कंपनी है, उसको बीच मतलब ये पूरा ग्रिड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी है। टॉरेंट का बिल जो है वहाँ के जनता को परेशान करता है। 3,000-4,000-5,000 झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को इतना बिल आता है। तो जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन करके दो कंपनी भारतीय एयरटेल और अंबानी को दिया, टेलीकॉम सेक्टर दिया है, और सरकार की जो कंपनी थी BSNL और MTNL, वो कंपनी अभी सिख बन गई है और अभी उनकी ज़मीनें बेचने की प्रक्रिया शुरू हुई है। उसी तरह से बिजली का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र भी प्राइवेटाइजेशन करके अडानी जैसे कंपनी को, जिसको इस क्षेत्र का कुछ भी अनुभव नहीं है, उसको ये देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी इस प्रक्रिया का विरोध कर रही है। और महाराष्ट्र बीज नियामक मंडल या MERC जो है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कंट्रोल बोर्ड जो है, उसके नियम का भी पालन नहीं हो रहा है। विपक्ष के लोगों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है और जनता को भी नहीं कॉन्फिडेंस में लेते हुए ये तानाशाही सरकार का तानाशाही निर्णय है इसका आम आदमी पार्टी। अजीत पाटके पाटिल, अजय पाटके पाटिल साहब, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूँगा कि सीधे जिस तरीके से ये घोषणा की है मीटर लगाने की, ये कैसे आम आदमी के घर में घुस के उसको इफेक्ट करेगा, उसको नुकसान करेगा, ये जनता को बताइए जरा। पहले तो चीज़ ये है कि जैसे स्मार्ट मीटर आपके घर पे आ जाएगा, 2 या 3 महीने के बाद ही हर यूनिट में 30 या 40 पैसे से बिल आपका बढ़ेगा। यानी अगर आप 400 यूनिट ले रहे हैं तो हर महीने आपका 160 रुपये बिल बढ़ने वाला है स्मार्ट मीटर के हिसाब से। क्योंकि अभी अगर ये लोग बोल रहे हैं, हम लोग ये फ्री में दे रहे हैं, फ्री में कुछ नहीं आता है, इनडायरेक्टली आपके बिल से वो पैसा वसूलने वाले, वो एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अभी जो आप कंप्लेंट कर सकते थे, किसी को मांग सकते थे, किसी से बात कर सकते थे, क्योंकि वो वितरण कंपनी जो है, महावितरण डिस्कॉम कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी होती थी। अभी जैसे इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो आपको हर चीज़ के लिए अडानी के पास जाना पड़ेगा। और आपको तो पता है उनके पास कौन बंदा है जो वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे जाएगा, वो तो कुछ तो कॉल सेंटर रहेगा, वो बोलेगी ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये जो प्रीपेड अभी अच्छा लग रहा है सुनने को, बट होने वाला ऐसा नहीं है। आपका कितना भी बिल आ जाए, स्टार्ट में सब अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको टेलीकॉम का एग्जाम्पल देता हूँ, सब जियो आया, सब फ्री में दे रहे ले रहे। जैसे ही मोनोपोली हो गया कि अभी रेट्स कितने आते हैं टेलीकॉम के, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अभी अभी डॉक्टर मोरिस आपने बात बताई है कि इसमें डायनेमिक प्राइसिंग होगा, कि जब डिमांड ज़्यादा रहेगी तब उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। जैसे दिवाली के दिन आ गया, खुद कोई त्यौहार आ गया या पीक आवर्स में, उसका भी डिमांड ज़्यादा रेट रहेगा। जैसे अगेन एक एग्जांपल अगर देना है तो, जैसे स्टार्ट में एक ओला उबर कैब बहुत सस्ते लगते थे, अच्छे लगते थे। अभी जब ट्रैफिक का टाइम रखता है, सबको आपकी ज़रूरत रहती है, वो टाइम पे उसके रेट सबसे ज़्यादा रहते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का भी होने वाला है। तो हर यानी महंगी होगी, फिर आपको डायनेमिक प्राइसिंग देनी पड़ेगी, फिर आपको कई कंप्लेंट नहीं कर पाओगे, आप एज ए ग्राहक सब आपके हक छीन ले जाएंगे और सब ये प्राइवेट अडानी जी के हाथ में दिया जाएगा। तो इसी के चक्कर में ये न हो पाए, इसलिए हम लोग ये प्राइवेटाइजेशन को जो यहाँ से शुरू होने वाला है, पहले कदम पे ही हम लोग रोकना चाहते हैं और इसके विरोध में इसलिए आम आदमी पार्टी खड़ी है।
मतलब ये सीधा इफेक्ट करेगा आम आदमी को और जो मजदूर कष्ट मेहनत खर्च इंसान है 100%। एक तो प्राइसिंग बढ़ेगी, आपको एज ए कस्टमर आपके हक छीने जाएंगे और ये मोनोपोली बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुमार साहब से, विजय कुमार साहब से जानना चाहेंगे सर, एक आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा शुरू से हम देखते आ रहे हैं, अडानी ने जब मीटर लगाए थे तब भी विरोध शुरू हुआ था लेकिन उसका कोई फर्क पड़ा नहीं, इन्होंने कोई जनता की कोई बात सुनी नहीं। आज भी ये विरोध चलेगा लेकिन ये अपना जो हिटलर शाही है वैसा ही अपना काम करेंगे, लेकिन ये लग जाने के बाद वो कैसे बैलेंस होगा अमीर आदमियों का और जो ये आम लोग है कैसे मैनेज करेंगे? ये उनको बैलेंस करना ही नहीं है। सरकार जो अभी कारण दे रही है कि बिजली चोरी रोकना है, ये तो बिल्कुल गलत है। बिजली चोरी बहुत कम होता है और बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, आम आदमी ये बिजली की चोरी करता नहीं। सरकार को चाहिए कि वो डकैती रोके ना कि पिक पॉकेटिंग। चोरी कहाँ होती है? बिजली बनाने में चोरी होती है। कोयला जो आता है सब स्टैंडर्ड कोयला, कोयले का दर ज़्यादा, अभी अडानी को 62,000 एकड़ ज़मीन दी जा रही है सोलर के लिए, वो भी मिनिमम प्राइसेस में, ये चोरी है। बिजली में चोरी होती है, बिजली यूज़ करने में बहुत ही कम है और ये चाहते जिसके लिए करना चाहते उसको कभी कॉन्फिडेंस में सरकार नहीं लेती। सरकार सिर्फ कॉन्फिडेंस में लेती है अडानी अंबानी को। जो लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए? लोग स्मार्ट मीटर स्मार्टफोन यूज़ करना चाहते हैं या बटन वाला फोन यूज़ करना चाहते हैं, लोगों का सवाल है। और आज तक अभी कैसा कभी भी नहीं हुआ है कि जब भी ऐसा कोई मौका आया है ओला उबेर लीजिए, फोन लीजिए, सर्च प्राइसिंग, मतलब जब जादू ज़रूरत ज़्यादा हो उस वक्त ज़्यादा रेट, ये सब कुछ चला रहेगा। इसमें स्लैब में क्या फ़र्क पड़ने वाला है आम आदमी को? क्या उस स्लैब में फ़र्क पड़ने वाला है? अगर रेट दे रहे एक तो सब में एक रेट दे रहे, नहीं वो स्लैब तो ऐसे ही रहिए। सिर्फ चोरी करने का तरीका स्मार्ट हो जाएगा, मतलब ये अडानी का चोरी करने का तरीका स्मार्ट हो जाएगा, आम आदमी को उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हालांकि आम आदमी का पैसा चला जाए। आम आदमी इसके आगे भी इसका विरोध बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। आम आदमी सिर्फ इसी मुद्दे पर नहीं, जहां भी आम आदमी के मुद्दा आएगा उसमें उनका विरोध करेगी। इस पर हमारी घोषणा है, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल, देसाई प्रदेश संगठन सचिव जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये लगातार अडानी ने जिस तरीके से कैप्चर किया है इस बिजली के सिस्टम को, जो आम लोगों की बहुत ज़रूरत की चीज़ है, उसी में सीधा हाथ डाला है, अब ये स्मार्ट मीटर के द्वारा और लोगों को परेशानी होने वाली है, ये जो कोशिश है आम आदमी पार्टी की, उसको कैसे मजबूती से इनको मनाया जाए ताकि आम लोगों को ये महसूस हो कि आम लोगों के लिए आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रही है और उसको जुटाएगी? सरकार को मनाने का आंदोलन है नहीं, सरकार को दिखाने का आंदोलन है कि आम आदमी पार्टी सब लोगों के साथ जुड़ के ये जो स्मार्ट मीटर का सिस्टम है, स्मार्ट मीटर का जो अन्यायकारक जो उनका नियम है, सख्ती है, उसके खिलाफ मजबूती से आज़ाद मैदान से एल्गार कर रही है। आप सुन लीजिएगा, अगर आपको सुनाई देता है हमारी आवाज़, जनता की आवाज़, तो ठीक है, नहीं तो इससे भी और ज़्यादा आगे जाके हम लोग उनको मुख्यमंत्री हो, ऊर्जा मंत्री हो, इनको घेराव डालेंगे और इनको दिखाएंगे कि जनता की असली ताकत क्या है। और ये एल्गार ये जो अब जो ये इन्होंने मीटर स्मार्ट मीटर का किया है, इसको रोकने के लिए क्या क्या कोशिशें की जा सकती है? एक तो ऐसे है कि हम सभी जो हमारे साथी है, संगठना है, सबके साथ मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं, इसके ऊपर जनता को ये इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि ये चीज़ें जो है, जो सरकार बोल रही है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक्चुअल में जो 30-40 पैसा पर यूनिट से जो इसकी बीच का जो दर है वो बढ़ने के चांसेस है, तो वो अगले साल से बढ़ेगा, तो इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे। दूसरी चीज़ थी ये वॉलेंट्री होना चाहिए, जिन लोगों को ये मीटर चाहिए, स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर, वो ले सकते हैं, पर वो जो ऑप्शन है वो लोगों को बोल रहे थे ये कंपलसरी हो नहीं हो सकता, ये ज़बरदस्ती नहीं सरकार ठोक सकती, तो ये चीज़ें हम लोगों तक पहुंचा रहे और उनसे फॉर्म लेते वो भी सबमिट करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि जिसको चाहिए वो अपने पैसे खर्चा करे और ले, लेकिन सब पे ज़बरदस्ती लागू करना ये कहीं ना कहीं गलत। ये जनता का पैसा है और जनता के पैसे से ये अडानी अंबानी का जो जेब है वो नहीं भरने देंगे। 20 कायदा 2003 मध्ये स्पष्ट म्हटलेलं आहे कुठल्या कंपनीचं मीटर घ्यायचं हे हा ग्राहकांचा हक्क आहे, 20 ग्राहकांचा हक्क आहे। Section 47(5) हे कलम आहे 20 कायदा 2003 मध्ये, त्या कलमानुसार मीटर कुठलं असावं, कुठल्या कंपनीचं असावं, हा 20 ग्राहकांचा हक्क आहे।
कारण या ठिकाणी आज फक्त मीटर एक जिनत म्हणून कंपनी आहे तिथेच वापरले जातात. दुसरी जी अदानी कंपनी वापरणार आहे मीटर ती आउट बाजारातून विकत घेऊन लावणार आहेत, म्हणजे त्यांची स्वतःची मीटर नाही आहेत. दुसरी बाजूला अशी आहे की बाजारामध्ये भरपूर मीटर आहेत, इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर ज्याला आपण डिजिटल मीटर म्हणतो म्हणा किंवा स्मार्ट मीटरसुद्धा, खरं तर स्मार्ट मीटर आहे प्रिपेंड आहे तेवढंच. ती मीटर उदाहरणार्थ सिक्युअर आहे, लासन टुब्रो आहे, बेटापुरा आहे, त्याच्यानंतर इलिमेर आहे, हवल्स आहेत, असे कितीतरी कंपन्या आहेत. ह्या कंपन्यांचं काय त्यांना काय ना कंत्राट दिलं की हा सगळा व्यवहार पाहता एकच कळून येते की अदानीलाच कंत्राट द्यायचं आहे आणि पाठीमागून याचं खाजगीकरण करायचं आहे. ते मीटर कुठलं वापरायचं आहे आमचं काय, हा वीज नियामक आयोगाने आम्हाला दिलेला अधिकार आहे. आणि हे बिल पास केलं आहे तत्कालीन काळी उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू, अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना भाजपचं सरकार होतं, तेव्हाच तो कायदा पास झालेला आहे. आणि तोच कायदा या भाषणात गुंडाळून हे लोक सरळ सरळ तानाशी करत आहेत. माझं नाव विनीता बर्फे आहे आणि मी रायगड जिल्हा अध्यक्ष महिला प्रमुख आहे. आज जो आम आदमी पार्टीच्या पक्षाच्या माध्यमातून हे जे आंदोलन आयोजित केलेलं आहे ते सरकारने जे काही निवडक भांडवलशाहीच्या माध्यमातून गरिबाच्या डोक्यावर थोपवणारा जो स्मार्ट मीटर ही उपयोजना आणलेली आहे, ही उपयोजना काही भांडवलशाहीच्या फायद्यासाठी आहे, ही जनतेच्या फायद्याची नाही. आणि जेव्हा जेव्हा देश हिताचा निर्णय घ्यायचा असेल तेव्हा तेव्हा आम आदमी पार्टीने आवाज उठवलेला आहे. आणि आम आदमी पार्टी संविधानाला धरून चालते, संविधानाच्या नीतिमूल्याला धरून चालणारी ही पार्टी आहे. ज्यावेळेस आम आदमी पार्टी रस्त्यावर उतरते, ज्यावेळेस आम आदमी पार्टी आवाज उठवते, त्यावेळेस नक्कीच कोणतरी दिल्लीच्या सरकारमध्ये परिवर्तन झाल्याशिवाय राहणार नाही. कारण की ही जी भूमी आहे ही आझाद मैदान, ही जी क्रांतीची भूमी आहे आणि इथून अनेक देशाच्या क्रांतीमध्ये अनेक घडामोडीमध्ये अनेक देश हिताचे निर्णय झालेले आहेत. आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की आजचे जे आंदोलन आहे ते वाया जाणार नाही. आजच्या आंदोलनामुळे कुठंतरी सरकारला निर्णय बदलण्यासाठी आम्ही प्रवृत्त करणार आहोत हा मला ठाम विश्वास आहे. नमस्कार, मी आम आदमी पार्टी नवी मुंबईची उपाध्यक्ष सौ प्रीती शिंदेकर बोलतोय. स्मार्ट मीटर जसं स्मार्ट मोबाईल दिला आणि आपण त्या मोबाईलवर रिचार्ज केला तर तुमचा मोबाईल चालला, हा सामान्य जनतेचा एक घात करतोय. कारण की अडाणी अंबानीच्या यासारख्या उद्योगपतींचा हा एक प्रकारे लोकसभा इलेक्शन मध्ये लागलेला खर्च तो आता त्यांना मिळवून देण्याचा हा प्रकार एक केंद्र सरकार आता महाराष्ट्रामध्ये की स्मार्ट मीटर लागावं. पण स्मार्ट मीटर कोणाला पाहिजे, जनतेची मागणी होती का? आणि त्याप्रमाणे विद्युत महामंडळ ह्या अधिकारी डायरेक्टरनी अप्रुव्हल दिलं होतं का केंद्र सरकार व राज्याच्या? आज पावसाळी अधिवेशन चालू आहे, राज्यभरात आंदोलन झाले स्मार्ट मीटर हा लागायला नको. जर जनतेची मागणी नाही आहे, याच्यावर काही घोटाळे नाही आहे आणि हा आतापर्यंत चाललेला एमएसईबीचा चांगला प्रकार चालू होता. पहिले होता साधा मीटर, मग त्यांनी इलेक्ट्रिकल मीटर आणलं, आता स्मार्ट मीटर. पण कुठे चालला? जर 2 कोटी 40 लाख मीटर हे लावण्यात येणार असं बोलताय, मग हे मीटर काढून टाकणार जनतेचे जे अगोदर लावले, त्याचा जो अगोदर लावल्याचा होता महाराष्ट्रामध्ये इतके मीटर लावले 2 कोटी 40 लाख, हे मीटर जाणार कुठे? भंगारमध्ये? हा पैशाची उधळपट्टी करायला सांगितली कोणी तुम्हाला? जर सामान्य जनतेच्या खिशातून जर आज जो मीटर लागणार आहे म्हणते तो 4 ते 5 हजार पर्यंत मीटरची किंमत होती आणि हा स्मार्ट मीटर 12 हजार रुपयाला मिळणार आहे म्हणते, तो कुठून येणार आहे? केंद्र सरकार देणार आहे की राज्य सरकार? केंद्र सरकारने राज्य सरकारवर एक प्रकारे उसने देण्याचं काम करणार आहे. थोड्या प्रमाणात केंद्र सरकार देणार आहे, त्यावरून कर्मचाऱ्यांचे सुद्धा एमएसईबीचे कर्मचाऱ्यांचे सुद्धा यावर घात आहे. मीटर लागलं, जर अडाणीचा मीटर लागला स्मार्ट मीटर तर काय होणार की ती कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर राहणार, त्या मीटरच्या लोकांची ती कोण अडाणी बघणार सगळं त्याचा मेंटेनन्स, मग एमएसईबीच्या नोकऱ्या कमी. ऑलरेडी पहिलेच नियुक्त चालू होत्या की एमएसईबीला नोकऱ्या मिळणार. नागपूरमध्ये फडणवीस साहेबांच्या तिथे आंदोलन करे एक तरुण मुलगा वारला सुद्धा एमएसईबीमध्ये नोकरी देणार म्हणून त्यांनी फॉर्म भरले ना, आता त्यांनी रद्द पण केलेलं आहे. त्या एमएसईबी डिपार्टमेंटला हे प्रायव्हेटायझेशन करण्याचा अडाणी अंबानीचे म्हणजे देशावर पूर्ण कारभार चालू की हा लोकशाही तंत्र हटवायची आणि हुकुमशाही चालवायची हा स्मार्ट मीटरमध्ये योग्य प्रामाणिक
जनता गरीब जनतेला याचा काही फायदा होणार नाही आहे। गरीब जनतेची बिल्कुल मागणी नाही। 80% जर गरीब जनता आहे महाराष्ट्र देशामध्ये तर याची मागणी कुठे आहे? हुशार जे लोक म्हणले की स्मार्ट मीटर लागलंय, पण 20% लोकांसाठी मागणी म्हणून मागितली आहे का तुम्हाला? नाही ना। मग का म्हणून स्मार्ट मीटर पाहिजे? फक्त अडाणीला हा प्रायव्हेटायझेशन करण्यात एमएसईबी पूर्ण कंट्रोल राहो, हळूहळू करता करता या ज्या एक सबस्टेशन चालवायला, कारण की हे माझ्या आहे, कारण की मी एमएसईबी डिपार्टमेंट आहे, सिव्हिल इंजिनिअरची बायको आहे, सहा इंजिनिअर राहत होते आज महाराष्ट्र एका सबस्टेशनला, तिथे एक एक इंजिनिअर आहे, तिथे दोन वर्कर दोन वायरमॅन राहतात, आज त्याची संख्या ऑलरेडी कमी केली आहे। स्मार्ट मीटर लागून तर तुम्ही घरीच बसल्या पाहिजे, म्हणजे ह्या सरकारला नोकरी सुद्धा द्यायची नाही, असलेल्या नोकरीदारांनाही काढण्याचा षडयंत्र चालू आहे। यामध्ये एमएसईबी कर्मचारी महामंडळ आणि त्यांची संघटना सुद्धा विरोध करत आहे, तरीही आमचे फडणवीस साहेबांना आपली केंद्र सरकारची गुलामगिरी करण्यासाठी इथे महाराष्ट्राचे तीन चाकाची सरकार बनवलेली आहे। हे फडणवीस सरकार कधीही महाराष्ट्राची जनता तुम्हाला माफ करणार नाही, आणि तुम्ही हे स्मार्ट मीटर लावणार तर जास्तीत जास्त तीव्र आंदोलन आम आदमी पार्टी सामान्य जनता गरीब लोकांच्या सहभागी राहील। नमस्कार, मी ना चंद्रमणी जावडे, आम आदमी पार्टी पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष। तुमचं म्हणणं काय आहे? जे ओढ्यासाठी अडाणी कंपनीने आम माणसं आहे त्याला फायदा होणार का नुकसान होणार? याचा फायदा तर काहीच नाहीये। आता स्मार्ट मीटर बसवण्याचं जे काम चाललेलं आहे, स्मार्ट मीटर जे काम चाललेलं आहे ते आपल्याला बिलकुल म्हणजे सर्वसामान्य जनतेला परवडण्यासारखं नाहीये। कारण आता जे मीटर बसवायचे, पहिले साधे मीटर बसवले, साधे मीटर बसवताना नंतर त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवले, इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवायचे, आता स्मार्ट मीटर बसवायचे। म्हणजे त्यांच्यातला काय, त्यांचा फक्त स्वतःचा फायदा पाहतात, त्या जनतेचा काहीच फायदा पाहत नाही, याच्यात सर्व जनतेचे नुकसानच आहे। जनता ही आपल्या सर्वसामान्य म्हणजे काही ते रोजगार त्यांना परवडण्यासारखे नाहीयेत। आता जर स्मार्ट मीटर बसवला तर ती चार्जिंग करायची, जसं आपण मोबाईलला रिचार्ज मारतो तसा हे रिचार्ज मारायचा, रिचार्ज मारला तर ती लाईट चालू होणार, रिचार्ज संपला की लाईट बंद होणार, पण त्याचा अर्थ काय आहे? त्याच्यासाठी आम्ही पूर्णपणे आम आदमी विरोध करत आहे की आम्हाला स्मार्ट मीटर नकोय, सर्वसामान्यांना परवडण्यासारखं नाहीये। नमस्कार, मी दमयंती नेलकर आम आदमी पार्टीची सदस्य आहे। आता हे जे स्मार्ट सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज तक भारत सरकार ने, आज की सरकार ने जितनी भी योजना लाई है, वो सारी योजना में जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे वो अदानी हो, अंबानी हो, एनएससी हो, सबका फायदा देखकर ही उन्होंने योजनाएं लाई है। और ये योजना जो है इसमें भी उन्हीं का फायदा है, क्योंकि आपने सुना है कि बहुत बड़ी मोटी रकम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए से उनको प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि ये योजना उनके भले के लिए है, इसका मतलब सरकार को उसमें फायदा है। इसलिए फायदा है क्योंकि सरकार उनसे एक मोटी रकम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए से लेगी। दूसरी बात यह है कि ये जो स्मार्ट योजना है, इसका आम जनता पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि आज जो मीटर हम चलाते हैं उसके वजह से कई लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं। आज देखिए यहीं पर एक अनशन शुरू है जो उससे खिलाफ है कि अगर ये मीटर आएंगे तो वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे कि हमारे घरों पर ये हमारे मीटरों को चेक करने आते, वो उनका रोजगार है। फिर जो प्रिंट करता है बिलों को, वो उनका रोजगार है। जो हमारे घर पे पहुंचाता है वो भी रोजगार है। इसका मतलब वो भी बेरोजगार होंगे, पर जो बड़ा वर्ग है इससे उनको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि इसलिए एक तो उनके हिसाब से ये योजना है, उनको फायदा है और उनको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उनका बेनिफिट है, और उनमें पास पहले इतनी मोटी रकम है कि अगर एक समुद्र में से एक बूंद कम हो जाएंगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये एक बात है। और दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पहले ही हमारे देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, बेरोजगारी हो,
आज हॉस्पिटलों में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। आज एजुकेशन में आप सुन रहे हैं कि जो डॉक्टर बनने वाले उनके भविष्य से भी खेला जा रहा है। तो हमारी जो सरकार है इन सारी अपनी जो उनकी नाकामी है उसको छुपाने के लिए इस तरीके से योजनाएं लाती है जिसके वजह से हमारे लोगों का ध्यान भटके और वो इन तरीके से खेल खेले। तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर इस असुर रूपी योजना का अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो वो हमें भस्मासुर की तरह एकदम भसक लेगा, नुकसान पहुंचाएगा और उसका नुकसान हम सर की आम जनता को होगा। इसलिए मेरा यही निवेदन है सबसे कि एक पार्टी नहीं, सारी आम जनता, चाहे वो बड़े तबके की हो, नीचे तबके की हो, कोई भी धर्म की हो, कोई भी कास्ट की हो, सब इसका विरोध करें और सरकार को बता दे कि अगर वो कोई भी इस तरह की योजना लाएंगे तो उसे हम सरासर नकार देंगे। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने आम लोगों की तकलीफों को देखते हुए इस स्मार्ट मीटर का विरोध शुरू किया है, तो वहीं ये कामगार हैं जो अडानी कंपनी में काम करते हैं वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं कि अगर ये स्मार्ट मीटर आ गए तो उनकी नौकरियां जाती रहेगी। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि इन मीटर के लगाने से किसको नुकसान हो रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है और क्या इसका इफ़ेक्ट है। फिलहाल MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।